हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और नए सुबह के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग के स्टार्ट। और अभी हम पहुंच गए हैं राजीव भैया के घर पर और बाकी लोग भी आने वाले हैं और हम जा रहे हैं आज वीडियो शूट पर। चलो निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं वहाँ जाके वहाँ का सीन शॉट। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं रामनगर के चौराहे पर और यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग नाश्ता। और हमारी टीम भी पूरी यहाँ पर बिल्कुल पैक होके आई है बिल्कुल कार में और सब लोग करेंगे नाश्ता। सबको सबसे मिलाता हूँ। ये हमारे राजीव भैया, बलविंदर भैया, विश्व भैया और हैं देव भैया वहाँ से आ रहे। तो गाइस नाश्ता करने के बाद चलते हैं अपनी लोकेशन पर और वहाँ जाके दिखाएंगे आपको वहाँ का लोकेशन। और चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में वीडियो बनाते हुए। के पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे ला इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा मैं एक बादल में चलता रहा गगन बरस पड़ा तो आवा गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं माँ गिरजा देवी मंदिर और यहाँ करेंगे हम एक वीडियो शूट और हमारे कपल्स हो गए रेडी। चलो करते हैं जल्दी से शूट फिर करेंगे गिरजा मंदिर के दर्शन। अगर मौका मिला तो जरूर करेंगे गिरजा मंदिर के दर्शन। तो गाइस हमारी वीडियो शूट हो गई है स्टार्ट और यहाँ कर रहे हैं बलविंदर भैया वीडियो शूट, विश्व भैया और यहाँ राजीव भैया कर रहे हैं फोटो शूट। तो गाइस यहाँ शूट करने के बाद चलते हैं हम रिसोर्ट में और वहाँ ना हमारे जो कपल हैं वो चेंज करेंगे। उसके बाद कहीं हम नई लोकेशन वहाँ से फिर हम जाएंगे नई लोकेशन पर वहाँ जाके शूट करेंगे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं नई लोकेशन पर और हल्की हल्की बारिश हो रही है ना तो इसलिए भैया ने ले लिया छाता। और अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ नई लोकेशन पर आपको दिखाएँगे आगे सन है पुल की तरफ तो हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ जाके करेंगे हम शूट। और मेरे हाथ में है कैमरा इससे करने वाला हूँ मैं शूट। तो गाइस ये है हमारी नई लोकेशन, इस पुल पर करेंगे हम यहाँ पर शूट और हमारे कपल से रेडी हैं। चलो करते हैं जल्दी से शूट और कंप्लीट करते हैं। तो गाइस भैया को ना मेरा चैनल मिल गया है यूट्यूब पर और ना बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पर नेट और नेटवर्क की यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है तो नेट भी नहीं चल रहा है। हमने किया आपके वीडियो को लाइक और ये हम गए ये हुआ आपका चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। ये हमारे रामनगर के पूरे एरिया के सबसे बेस्ट फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं तो जिन्हें भी कोई भी तरीके की शूटिंग करवानी हो आप इनसे संपर्क करें। एड्रेस चैनल में दिया हुआ है, लिंक में हम पिन कर देंगे पिन कमेंट में। ओके गाइस अभी हम पहुंच गए रिसोर्ट और रिसोर्ट में चल रही है हमारी शूटिंग। ये रही हमारा सूट। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं
रिसोर्ट के अंदर और यहाँ करेंगे हम शूट। और हमारा लास्ट सीन होने वाला है इस तालाब के अंदर, मतलब पानी में यार, समझ सकते हो। और यहाँ हमारी चल रही पहले से तैयारी कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और यहाँ दादाजी भैया पहले से मज़े ले रहे हैं बिल्कुल, और पीछे को हैं ऋषि भैया और आ गए हमारे बलविंदर भैया M4 लेकर। तो गाइस पूल पे शूट करने के बाद अब करना हमारा लास्ट शूट और जो होना है हमारा डेटिंग शूट। तो लास्ट शूट कंप्लीट करने के बाद जाएंगे हम सीधा घर। और पहले तो ये आपको दिखाते हैं डेटिंग शूट करने को रह गया है हमारा, तो वो शूट कंप्लीट करने के बाद तब होगा। और आप डेटिंग शूट दिखाते हैं किस तरीके से हम करते हैं और किस तरीके से नहीं करते हैं। मतलब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं पर यहाँ पर इतना सामान नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है। जनवरी सन 2022 में पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में, वो दिन है और आज 7 अक्टूबर हो गई थी। और हम क्या कहते हैं, हमने स्टार्ट किया था पहली बार मिलने से, उसके बाद फिर हम अपने एंगेजमेंट में मिले, आज हम ये दूसरी बार मिल रहे हैं। और हमारी जो बातें फ़ोन वगैरह पे होती रहीं, मैसेज पे होती रहीं, उसकी वजह से हम काफ़ी पास आ गए उन दिनों में, हमें पता ही नहीं चला कब हमने एक दूसरे के साथ नहीं रहने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया हमने। हाँ, तो जैसे कि डेट इन्होंने बता ही दी है, बट कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग मिले थे भूतनाथ में, और जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस ये बहुत ज़्यादा मोटे थे और एज अ गर्ल ऑब्वियसली किसी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट स्टिल मैंने यस बोला कि मुझे लगा ठीक है अब इंसान दिखने में कैसा भी हो बट बाय नेचर अच्छे थे, इसलिए मैंने हाँ बोल दी थी शादी के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने इनको एंगेजमेंट में देखा था तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट कितने केजी वेट लूज़ किया था आपने? 6 केजी वेट लूज़ कर लिया था, बहुत स्लिम हो गए थे, सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे देख के। एंड आफ्टर दैट सारी चीज़ें मतलब वही जो भी मैंने कही है मेरी सारी बातें मानते हैं। एंड प्री वेडिंग में तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे लगे तो बस इतना ही है सारी, मतलब अच्छा है, शादी के लिए एक्साइटेड हो गए बस और कुछ नहीं। ठीक है बाय भैया, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग पर, बाय। तुम्हारा प्लैटिनम बटन का इंतजार हो रहा है, ठीक है? ठीक भैया, ठीक है, तुम्हारे जल्दी से मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और जल्दी से तुम्हारे पास सिल्वर प्ले बटन के बाद प्लैटिनम गोल्ड सारे प्ले बटन आए यूट्यूब की तरफ से, थैंक यू भैया इतना सारा प्यार देने के लिए। तो फाइनली गाइस शूट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं सीधा घर और घर जाके मिलते हैं आपको, और जल्दी से करते हैं इस वीडियो को एडिट वगैरह और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग पर।